जय हिंद दोस्तों, आज जो आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ वो है एक पल का जीना। एक पल का जीना सॉन्ग के बेसिकली दो स्टेप हैं जो हैं, जो मेन स्टेप हैं, एक तो सिग्नेचर स्टेप और एक जो जंप करके करते हैं ये वाला। तो ये तो मैं आपको बताऊँगा, बाकी और आई थिंक आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो ये है, आप पहले स्टेप देख लीजिएगा। इस वाले में जो पहला मूव है वो ये कि आपको इस वाले हैंड को आगे लेके जाना है और यहाँ लाके ऐसे करना है और ये वाला हैंड इधर आ जाएगा पीछे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये, तो ये अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो हैंड आगे जा रहा है और फिर उसके बाद ऐसे करके फिर वापस आ रहा है और ये वाला हैंड पीछे आ रहा है। तो ये देख लीजिएगा, और इसके साथ ही आपको पैर भी मूव करने हैं आगे इस तरह से, ये देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपकी नेक की मूवमेंट भी होगी। नेक की मूवमेंट कैसे होगी, जब आप पुश करेंगे दो बार, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो ये कुछ इस तरह से है। तो जब आप स्पीड में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। करेंगे उतने ज़्यादा और क्लैरिटी से आप कर सकते हैं। और आप एक्चुअली मैंने फास्ट मोशन में दिखाया, तो आप स्लो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसको हम कर। सबसे पहले तो आपको हैंड को अपने लेग्स को दोनों को क्रॉस करना है, 1 and 2, सिंपल है, 1 and 2। उसके बाद आपको लेफ्ट में थोड़ा सा घूमना है और आपका ये वाला हैंड ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा और लेग आपका पीछे चला जाएगा, 3। उसके बाद सेम यही स्टेप वापस करना है, ये वाला हैंड आपके बाद ऊपर आ जाएगा आपका और ये वाला नीचे आएगा और लेग आपका पीछे चला जाएगा, 4। उसके बाद फिर वापस आपका ये वाला हैंड ऊपर जाएगा तो ये वाला लेग आपका पीछे आ जाएगा, 5। फिर उसके बाद आपका ये वाला लेग फिर वापस पीछे जाएगा और ये वाला हैंड, ये वाला लेग आगे आ जाएगा और ये वाला हैंड ऊपर आ जाएगा, 6। और फिर आपको इधर की तरफ टर्न करना है हैंड को मारते हुए इस तरह से स्टाइल में, एंड फिर आपका मूव होके ब्लैक ये वाला घूम जाएगा और फिर आपका ये वाला हैंड इधर आएगा वापस इस तरह से क्रॉस लेके जाना आपको। जैसे आपका ये हैंड मूव करोगे आपका लेग भी मूव हो जाएगा, एंड और फिर आपका ये आ जाएगा ऊपर ये वाला हैंड, और जैसे ऊपर आएगा आपकी लेग की मूवमेंट फिर से होगी, एंड और फिर आपका ये वाला हैंड जैसे ऊपर आया और फिर उसके बाद आप ये वाला हैंड जैसे मूव करेंगे तो आप इधर करके और फिर वापस उसी पोजीशन में यहाँ आ जाएंगे। तो ये है बेसिकली स्लो मोशन में। अब थोड़ा सा फास्ट कर दें ताकि आपको और थोड़ा सी क्लैरिटी में समझ में आए। फिर से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 and back। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आपके लेग्स, जैसे जैसे आपके हैंड्स मूवमेंट होंगे वो वैसे वैसे आपके लेग्स के मूवमेंट होंगे। तो जैसे अगर आप हैंड इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो आपके उतने बार लेग्स के मूवमेंट होंगे। तो और अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो पहले वाला आपने किया उसका हाफ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बस आपको लेग्स का ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम उन लोगों ने क्रॉस करके वापस लिया था बस, बट इसमें दो बार जाना है हमें। तो ये कुछ इस तरह से है, 1 and 2। उसके बाद फिर वापस आप आएंगे, एंड 3। तो वो कुछ स्पीड हो जिस तरह से है, 1 and 2 3 and 4। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार, 1 and 2 3 and 4। और उसके बाद फिर वही, 1
two, three, फिर वही हैंड वापिस, फोर एंड फाइव सिक्स, सिंपल। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बस, थैंक यू।